झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि सोने और चांदी में सुबह के मुकाबले बिल्कुल वैसा ही ट्रेड दर्ज किया जा रहा है जैसा कि जो सोने चांदी की जो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट है सुबह के कारोबारी सत्र में खुलती नजर आई थी। अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सोने चांदी में एक नरमी के साथ एक गिरावट के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। देख रहे हैं गोल्ड इस वक्त $1925 पर है और जो सिल्वर है वो $25.18 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। सोने चांदी की कीमतों में सुबह वाला ही रुझान देखने को मिल रहा है, एक नरमी वाला रुझान ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें तेजी आई है जब से फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में हाइक किया है, 0.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है फेडरल रिजर्व बैंक ने। तब से ही हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक वॉलेटिलिटी और देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक नरमी देखने को मिली है, हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जानकार यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी छोटी अवधि में सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक हल्की सी नरमी देखने को मिल सकती है। छोटी अवधि में सोने चांदी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर सोने चांदी की जो कीमतें हैं लंबी अवधि में उनमें तेजी का ही रुझान है। सोने चांदी में लंबी अवधि में खरीदारी में रहा जा सकता है। चांदी की जो इस बार हमने देखा है कि सोने का जो आयात है उसमें भी उछाल देखने को मिला है और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल यूज़ है गोल्ड का वो तो खैर इतना नहीं होता है, लेकिन जो चांदी का इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से अगर प्रॉफिट वाइज देखें तो जो चांदी है वो ज़्यादा उछाल मार सकती है सोने के मुकाबले, ऐसा जानकारों का मानना है। तो ओवरऑल रुझान सोने चांदी में आगे जाके तेजी वाला ही रहने वाला है। बात करें यहाँ से अब कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI 4% की बढ़त के साथ $160 पर ट्रेड कर रहा है और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें भी 4% की बढ़त है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि जो WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल है दोनों में ही जोरदार तेजी के साथ आज कारोबार दर्ज किया जा रहा है। दोनों ही कच्चे तेल 4-4% की बढ़त के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो बयान आया था कि जो रशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई है कम रह सकती है, इसकी चलते कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक तेजी देखने को मिली है। तो अब यहां से आगे कच्चे तेल में कैसा रुझान रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी देख रहे हैं कि कच्चे तेल में आज काफी दिनों के बाद तेजी देखने को मिली है, जो कच्चा तेल $100 के नीचे लुढ़क चुका था अब फिर से $100 के ऊपर बन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा या फिर कीमतों में अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में फर्दर पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं और इसी तरीके की मूवमेंट हम विटनेस भी कर रहे हैं चार्ट पे। अभी 8200 के आसपास M6 पे ट्रेड कर रहा है और चांसेस हैं कि यहाँ से फर्दर हायर साइड में 8600 तक की रैली देखने में मिल सकती है इसमें, और सपोर्ट जो है ये 8000 के लेवल के आसपास है जी। इसके साथ रविंद्र जी बात करें यहाँ से अगर गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड सिल्वर में भी यहाँ से जो प्राइसेस है फर्दर रैली करेंगे या फिर जो प्राइसेस है ऐसी ही एक कंसोलिडेशन में देखने को मिलेंगे? देखिए गोल्ड और सिल्वर में अभी थोड़ी सी करेक्शन जो है ये विटनेस हो सकती है। ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूएशन में सेलिंग देखने को मिल रही है गोल्ड सिल्वर में, और
गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 50,000 के आसपास जाके कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर रेंज बाउंड हो जाती है मूवमेंट तो ये फिर बाइंग जोन बन सकता है इस समय 51,000 से 51,500 की रेंज। लेकिन अगर फर्दर ये 51,000 की रेंज को तोड़ के नीचे में 50,000 तक स्लिप करता है तो 50,000 से 49,800 की रेंज बनेगी, जहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और फिर वहां से फर्दर हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने देखा कि प्राइजेस जो थे ये ऑलरेडी हाई लगाने के बाद लगभग 10,000 पॉइंट्स का सेलिंग विटनेस कर चुके हैं और 67,000 के आसपास का लो लगाने के बाद अभी 68,000 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। इसमें जो है जी यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने निकल को तो सुबह 2400 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा था एमसीएक्स पर, अब देख रहे हैं कि 2166 पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 12% की करेक्शन है। निकल में देख रहे हैं कि इस वक्त काफी ज्यादा गिरावट बनती नजर आ रही है, लगभग 12% की जो करेक्शन है निकल की कीमतों में देखने को मिल रही है। सुबह को तो 2400 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं शाम के कार्रवाई सेट में जो निकल है 12% की करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है। रविंद्र जी देख रहे हैं यहाँ पे निकल 12% की करेक्शन के साथ एमसीएक्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, सुबह में तो 2400 का लेवल था, अब देख रहे हैं 2166 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है निकल में जो गिरावट आई है क्यों आई है और आगे निकल कैसा कारोबार कर सकता है? देखिए निकल में इनिशियली शफिक एलएमई की तरफ से थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ था और उसी वजह से हमने रैली आती हुई देखी थी, लेकिन उसके बाद से जैसे रिज्यूम हुआ है वहाँ पे ट्रेडिंग प्राइसेस तो फर्दर करेक्शन देखने को मिल रही है। इतना ज्यादा फंडामेंटली सपोर्ट करती नहीं थी मार्केट जितना निकल को हमने रैली करता हुआ देखा है और यहाँ से चांसेस यही लगते हैं कि फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगी और यही जाके कंसोलिडेट कर सकता है 1800 से 1900 की रेंज में। जी रविंद्र जी कॉपर में क्या लगता है आपको, क्या कॉपर के फंडामेंटल्स मजबूत हैं कि उसको तेजी की ओर लेके जाएं? देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी फंडामेंटल इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, प्राइसेस जरूर हायर साइड मूव कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल जो है वो इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेस जो है ये हायर साइड सस्टेन करें और वहीं सेम हमें चार्ट्स पे देखने को भी मिल रहा है। प्राइसेस जैसे ही 850 के लेवल को ब्रीच किया था फर्दर हमने इमीडिएट सेलिंग आती हुई देखी थी जो कि नीचे में 790 के आसपास जाके रुकी है। तो अभी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी न्यूज की वजह से भी थोड़ा बहुत फ्लो जो है ये कमोडिटीज का ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और उसी वजह से हमें प्राइसेस में हायर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नॉर्मलाइज होगी प्राइसेस भी नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी रविंद्र जी टॉपिक्स के देना चाहेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में? नॉन एग्री से हम क्रूड को लॉन्ग करके चल सकते हैं, यहाँ से 8100 का रहेगा स्टॉप लॉस, वहीं टारगेट करेंगे 8600 तक का। और दूसरा हमारा रहेगा एनर्जी काउंटर से ही नेचुरल गैस को हायर लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं 380-385 की रेंज में और डाउन साइड में 350 तक के पोजिशनल टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रविंद्र जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है और सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। रविंद्र जी सबसे पहले एग्री कम्युनिटीज में बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने काफी समय से सीमित दायरे में कारोबार देखा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि ग्वार की जो कीमतें धीरे धीरे तेजी की ओर जा रही हैं। देख रहे हैं कि ग्वार गम का प्रवर्तन 11,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है, 11,300 का हाई लगा चुका है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6100 के ऊपर है। रविंद्र जी आपको क्या लगता है, क्या अब यहां से ग्वार तेजी के लिए तैयार हो चुका है? क्या ग्वार के फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं जो इतने समय से सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद अब तेजी की ओर जा रहा है? देखिए एक तो इसमें प्रोडक्शन जो है वो लोएस्ट है ऑलमोस्ट 5 ईयर के उसमें और चांसेस ये है कि फंडामेंटल और जिस तरीके से क्रूड ऑयल हायर साइड मूव कर रहा है तो चांसेस यही लग रहे हैं कि ग्वार की जो प्राइसेस रही है अपसाइड मूवमेंट के साथ ही मूव करेंगी और वो सेम रिफ्लेक्शन हमने चार्ट्स पे आती हुई भी देखी है। अभी जरूर इस समय आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है ग्वार का बाइंग ऑन डिप्स ही रहेगा और यहाँ से बाइंग ऑन डिप्स करके अगर चलेंगे तो ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में 6400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही ग्वारगम की बात करें
तो ग्वारगम में भी मई वायदा जो है ये 11,700 11,600 तक के लेवल दिखा रहा है। जी रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर आप कॉटन की, तो कॉटन में भी हमने काफ़ी शानदार रैली आते हुए देखी है। कॉटन का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 40,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कॉटन में अभी भी और तेजी बची हुई है? क्या कॉटन यहाँ से अभी और तेजी की तरफ जाएगी? देखिए, कॉटन में हमने पहले भी जब बात करी थी उस समय मैंने ये बोला था कि कॉटन में जो है ये इंटरनेशनल काफी ज्यादा पुश कर रहा है प्राइसेस को जी इंटरनेशनल मार्केट, और वही सेम रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रही है इंडियन M6 मार्केट में भी, और यहाँ से भी प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स भी काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और कॉटन में चांसेस लग रहे हैं कि ये हायर साइड में, अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये 42,000 तक के लेवल दिखा सकता है। ऑलरेडी ये 40,000 को ब्रेक कर चुका है और 42,000 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। 3,400 का लेवल दिखाने के बाद बिनौला खल 3,100 या 3,000 से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में तेजी अभी बाकी है? क्या बिनौला खल फिर से 3,400 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, कोकोड की बात करें तो कोकोड में अभी कंसोलिडेशन रेंज में जरूर दिख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अभी कोकोड में हल्की करेक्शन देखने को मिल सकती है। 3,000 के आसपास के लेवल्स बेहतर रहेंगे इसमें बाइंग करने के लिए, लेकिन ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव पकड़ेगा और उसके बाद में काफी हायर साइड हमें देखने को मिल सकती है। इसमें भी 34-50 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं और डाउन साइड में 3,000 का स्ट्रांग सपोर्ट होल्ड कर रही है। जी रविंद्र जी, मसालों में क्या लगता है आपको? हमने देखी है कि हल्दी हुई, जीरा हुआ या फिर धनिया हुआ, तीनों ही मसालों में हाल ही में करेक्शन भी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, क्या मार्च महीना पूरा करेक्शन वाले ही रहने वाला है मसालों के लिए? देखिए, स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में करेक्टिव मूव ही लग रहा है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है और फंडामेंटल भी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसी वजह से हमें सेम रिफ्लेक्शन जो है ये चार्ट से भी देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी एक एक रीजन और भी है इसके पीछे की प्राइसेस जो थे काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में चले गए थे और वहां से करेक्शन देखने को मिल रही है। बेहतर है कि जीरा की बात करें तो जीरा में भी 20-200 तक के अगर लेवल मिलते हैं तो वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है। वही टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में भी 83-20 83-40 के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में भी करेक्शन देखने को मिल सकती है और इसकी करेक्शन थोड़ी स्टीप करेक्शन हो सकती है, 9,900 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी रविंद्र जी, कैस्टर में देख रहे हैं कि आज हल्की सी करेक्शन आई है और कैस्टर में हमने ये भी देखा है कि 7,300 तक एक रेंज में बना हुआ है कैस्टर सीड। आपको क्या लगता है, क्या ये जो आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ी सी हल्की सी नरमी आई है, क्या ये थोड़ी और गहराएगी और फिर जो कीमतें हैं उनमें तेजी आएगी? देखिए, कैस्ट्रल के प्राइसेस ऑलरेडी 22% इस साल बढ़ चुके हैं, अभी थर्ड मंथ ही चल रहा है और हायर डिमांड है, लोअर प्रोडक्शन है, इसी वजह से कैस्ट्रल प्राइसेस जो है ये हायर साइड जा रहे हैं। जरूर इसमें करेक्शन वीटनेस हो रही है, लेकिन ये करेक्शन शॉर्ट टर्म करेक्शन ही है, ओवरऑल ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव साइड का ही है और चांसेस यही लग रहे हैं कि 7,500 को ये क्वालिटी अप्रोच कर सकती है हायर साइड में। जी रविंद्र जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? एग्री कमोडिटीज में जीरो को शॉर्ट करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 20,900 के ऊपर का टारगेट करेंगे 20,300 का, और दूसरा कॉल हमारा रहेगा क्वार कॉम्प्लेक्स से, क्वार में बाय करके चल सकते हैं अप्रैल वायदा में 6,050 के आसपास बाय करेंगे और हायर साइड में 6,300 तक के टारगेट करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 6,000 के। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी में कितने निवेश के मौके हैं, कितने कमाई के मौके हैं और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की
खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।